अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि एक बहुत ही बड़ा क्रिकेटर अचानक वफात पा गया है। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल दूंगा कि कौन सा बड़ा क्रिकेटर अचानक वफात पा गया है, तो वीडियो को कहीं पे भी स्किप ना कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक और नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हमजा स्पोर्ट्स। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह कर रहा हूं कि एक बहुत ही बड़े क्रिकेटर अचानक वफात पा गए हैं। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल दूंगा कि उनकी वफात कैसे हुई और कौन से क्रिकेटर की वफात हुई है, तो वीडियो को कहीं पे भी स्किप ना कीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप मुसलमान हैं और आपके दिल में थोड़ा सा भी ईमान है तो आपने कमेंट बार में आमीन जरूर लिखना है। आपके एक आमीन से कोई बड़े हादसे से बच जाएगा, इसलिए आपने कमेंट बार में आमीन जरूर लिखना है। या अल्लाह, हम सब जितने भी मुसलमान हैं हम सबको हादसों से बचा। या अल्लाह, हम सब जितने भी मुसलमान हैं हम सबको अचानक तकलीफों से बचा। या अल्लाह, हम सब जितने भी मुसलमान हैं हम सबको आजमाइशों से बचा। एक दफा कमेंट बार में आमीन जरूर लिखिएगा। क्या पता आपके एक आमीन से किसी की जिंदगी बच जाए, तो आपने कमेंट बार में आमीन जरूर लिखना है। अब आपको बताता हूँ कि कौन सा बड़ा क्रिकेटर अचानक वफात पा गया और उसकी वफात किस तरह से हुई है, तो आपने वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। अफगानिस्तान के मशहूर क्रिकेटर नजीब तरकई 1991 में पैदा हुए थे और आज कार एक्सीडेंट में वफात पा गए हैं। अफगानिस्तान के क्रिकेटर नजीब तरकई की वफात पर पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने भी काफी दुख का इजहार किया है। नजीब तरकई का आज सुबह अफगानिस्तान में कार एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद उनको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो अस्पताल में जानबर ना हो सके और खाले की हकीकी से जा मिले। एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि अफगानिस्तान कौमी क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैट्समैन नजीब तरकई का आज सुबह कार एक्सीडेंट हुआ और उसमें वो वफात पा गए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला नजीब तरकई के घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और नजीब तरकई के दर्जात को बुलंद फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आपने कमेंट बार में आमीन जरूर लिखना है, बार बार कह रहा हूँ, आपने आमीन जरूर लिखना है। कहते हैं कि किसी जगह अगर 40 आमीन हो जाए तो वो दुआ हर हाल में कबूल की जाती है, तो आपने कमेंट बार में आमीन जरूर लिखना है। ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।